मैं गुजरात से हूँ। मेरा घर भरूच में है और मैं यहाँ यूक्रेन में फंसी हुई हूँ। हम रह रहे हैं टर्नोपिल में। हमारा एड्रेस है चेकी उसको हो 39, फ्लैट नंबर 57, टर्नोपिल, टर्नोपिल्स का ओब्लास्ट 46002। हम सारे सिचुएशन से, हम स्टूडेंट्स कब से बोल रहे थे हमारी एम्बेसी को, हमारी यूनिवर्सिटी को, हमारी एम्बेसी ऑफ इंडिया को, दैट हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। बट हमारी यूनिवर्सिटी ने ना कोई डिसीजन लिया, ना एम्बेसी वालों ने यूनिवर्सिटी को प्रेशराइज किया। अभी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि मार्शल लॉ लगने वाला है। यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है, यहाँ पे साइलेंसर्स बज रहे हैं। और मैं और मेरे साथ में मेरी दो रूममेट्स हैं, आशिता और दिव्या। आशिता जो है वो राजस्थान से है, दिव्या जो है वो मध्य प्रदेश से है। हम सारे बच्चे यहाँ पे स्टक हुए हैं। अभी अभी हमारी यूनिवर्सिटी हमें बोला है दैट आपकी यूनिवर्सिटी अब जाकर ऑनलाइन हो रही है, जब सारी सिचुएशन खराब हो चुकी है। प्लीज आप लोग हमें मदद करें, हमें कुछ नहीं पता, हमारी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और हमें कुछ नहीं पता कि हम वापस इंडिया कैसे जाएं। जितने भी बच्चे जो आज जाने वाले थे एयर इंडिया से, एयर इंडिया आई ही नहीं, वो पहले से ही क्यू आकर ही वापस चली गई और सारे बच्चे क्यू में भी फंसे हुए हैं। हम हमारे गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमें इवैक्यूएट करें। प्लीज पैसों को ना देखें, हमारी लाइफ ज्यादा मैटर करती है। हम यूक्रेन से पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट को प्लीज हमें बचाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। प्लीज हमें इवैक्यूएट करें, हम यहाँ पे बहुत फंसे हुए हैं, सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, ठीक है, बाकी तुम ठीक हो, अपना ध्यान रखो, ठीक है। चलो ठीक है, तू बच्चे का ध्यान रख, बेटा नाले करके मैं भेज दी जल्दी है। ठीक है। हम लोग के जस्ट बगल में 2 मिनट दूर पे गवर्नमेंट हॉस्टल हम लोग का, वहाँ जस्ट बम गिरा है, 3 बम गिरे हुए हैं और एकदम स्थिति खराब है। सब लोग डर के सब सामान यहाँ पे पूरा खरीद रहा है। सब लोग काफी सामान मिल भी नहीं रहे, जो सामान अवेलेबल रहते सब खत्म हो चुके हैं, बहुत शॉर्टेज पड़ रहा है सामान के, बहुत स्थिति खराब है यहाँ पे। हम लोग को जल्द से जल्द प्रबंध किया जाए, हमारी भारत सरकार से अपील है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए, इवैक्यूएट करा जाए, हमें एयरलिफ्ट किया जाए, जल्द से जल्द आपसे रिक्वेस्ट है हमारी। प्लीज निकाल लीजिए हम लोग को, प्लीज निकाल लीजिए, बहुत हम लोग डरे हुए हैं बहुत ज्यादा, घर वाले बहुत परेशान हैं हम लोग को, प्लीज निकाल लिया जाए। देखिए आपका यहाँ का माहौल दिखाते हैं, ये देख लीजिए स्थिति देख लीजिए, बहुत नाजुक हो चुकी है। लोग खरीद रहे सामान, पूरे इकट्ठा कर रहे हैं काफी दिन से, हमारे घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं।